मूवी की स्टोरी शुरू होती है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ, जो अपनी फिजिक्स की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री अमेरिका में। फिर वो वापस आने के बाद वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कई सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो कई सारे साइंटिस्टों के दोस्त भी बन जाते हैं। ओपनहाइमर मोस्टली स्टार्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कि वो और भी साइंटिस्टों को पढ़ाते हैं, मतलब सिखाते हैं। कई सारी रिसर्च करने के बाद उन्हें फाइनली ये पता लगता है कि जब एक स्टार मरता है तो उसका क्या होता है, जिसके बाद वो डिस्कवरी करते हैं ब्लैक होल की, और उनका एक न्यूज आर्टिकल भी छपता है इससे रिलेटेड। उसी सब के बीच में जो एटम बॉम्ब बनाने का प्रोसेस है वो उनके दिमाग में चल रहा होता है। अगर मैं ओपनहाइमर की लाइफ के बारे में बताऊं तो उनकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है कैथरीन, पर वो उन्हें किट्टी बुलाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनका एक लड़की के साथ अफेयर भी चलता है। जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा होता है उसका नाम होता है जीन टेटलॉक। मूवी आने से पहले काफी हल्ला मचा हुआ था कि ओपनहाइमर में भगवत गीता का काफी बड़ा रेफरेंस है, बट जब मैं मूवी देख रहा था तो मैं पर्सनली एक चीज काफी बुरी खटकी, जो कि मुझे काफी बुरी लगी। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी और की नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ भाई मुझे बुरी लगी। तो ओपनहाइमर किसी पार्टी में जब जीन से मिलता है तो उनका एक सेक्स सीन दिखाया जाता है। अब उस सेक्स सीन के दौरान जीन उठकर चली जाती है उस बुक शेल्फ के पास, और वो वहां से एक बुक निकालती है जो शायद मेरे ख्याल से भगवत गीता थी, जिसे वो ओपनहाइमर से पूछती है कि ये क्या है। तो वो बोलता है ये संस्कृत है, जिसके बाद जीन बुक को ओपनहाइमर के पास लाती है। फिर वो ओपनहाइमर के ऊपर थोड़ा इंटीमेट तरीके से बैठ जाती है और उससे पूछती है कि इस फ्रेज में क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो श्री विष्णु भगवान का नाम पढ़ता है, लेकिन जीन उससे मना करती है। फिर वो कहती है इसको नहीं इसे पढ़ो। फिर वो कोट पढ़ के लास्ट में कहता है कि आई एम द डिस्ट्रॉयर। पर यार ये सब नॉर्मली भी तो दिखा सकते थे, मतलब सेक्स सीन के बीच में इस सब को डालना मेरे को सही नहीं लगा। अब ये इंटेंशनली किया गया है या फिर ऐसा ही हुआ था रियलिटी में, ये मुझे नहीं पता। इस सब के बाद ओपनहाइमर अपनी रिसर्च में आगे बढ़ता है, तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अच्छे से पता लगने लगता है। पर उसे एक चीज बीच में समझ आती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि जब से वो थ्योरीज के हिसाब से चल रहा था तो वो बस एक चीज पे अटका हुआ था, लेकिन जो चीज प्रैक्टिकली उसने सामने से देखी तो उसे पता लगा कि कई चीजें हैं जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकती हैं। इसी सब के बीच उस पे एक न्यूज आती है कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया है, और उस टाइम पर उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था एटम बम से रिलेटेड, तो वो उस पे रिसर्च करने ढंग से लग जाता है। उसे पूरा ठान लेता है कि अब मैं इसे बना के रहूंगा। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखते हुए यूएसए लेस्ली ग्रूव्स को भेजती है ओपनहाइमर के पास मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट का बताऊं तो मैनहट्टन वो प्रोजेक्ट था जो यूएसए ने चलाया था यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर। इस प्रोजेक्ट में इन सारी कंट्रीज ने फंडिंग की थी एटम बम बनाने के लिए। फिर फाइनली ओपनहाइमर रेडी हो जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। लॉस एलामोस एक जगह है जहाँ पर ओपनहाइमर बाकी साइंटिस्ट को लाता है उनकी फैमिली के साथ, और वो उस प्रोजेक्ट पर काम करता है एटम बम बनाने वाले पे। उन्हें वहाँ लगभग 2 साल लगता है और $2 अरब भी लगता है उस बॉम्ब को बनाने में। कई सारी मुश्किलों के बाद वो फाइनली बॉम्ब को रेडी कर लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद उस बॉम्ब को भेज दिया जाता है जापान के लिए। फिर यूएसए जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डालकर ये प्रूफ कर देता है कि वो सबसे पावरफुल है, और वर्ल्ड वॉर 2 को वहीं के वहीं खत्म भी कर देता है। लेकिन इस सबसे ओपनहाइमर थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे फील होने लगता है कि मैंने कई सारी हत्याएं करी हैं, जबकि उसे फाइनली पता लगता है कि उसने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारा है और उसका कारण वो खुद था। वहीं दूसरी साइड उसके आर्टिकल छपते हैं, यूएसए के सारे लोग उससे खुश होते हैं, सोल्जर सारे खुश होते हैं, प्रेसिडेंट खुश होता है, हर कोई उससे खुश होता है, लेकिन वो खुद से खुश नहीं होता। वो अपना नाम मैगजीन में पढ़ता है और उसके नीचे लिखा होता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिससे वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है उस लाइन को पढ़कर। इसके बाद यूएसए कहता है हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बना के दो और भी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दो, ताकि हम सबसे पावरफुल बन सके। लेकिन उसे वहाँ पे फील होता है कि ये सारे बॉम्ब बनने शुरू हो गए तो इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अर्थ का कुछ नहीं बचेगा, जिस वजह से वो शांति की बातें करने लग जाता है, सबसे मना करता है बॉम्ब के बारे में, बिल्कुल मना करने लग जाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब की यूएसए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, जिस वजह से यूएसए को ये लगता है कि ये किसी का एजेंट बन चुका है, किसी दूसरी कंट्री का। अब इस सबसे पहले एक इंसिडेंट होता है, भरी सभा के अंदर इनसे कहा जाता है कि अगले बॉम्ब पर प्रैक्टिस करें, अगले बॉम्ब की शुरुआत करें, लेकिन ये भरी सभा के अंदर लुईस स्ट्रॉस मतलब अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की थोड़ी सी बेइज्जती कर देते हैं। वो चीज लुईस स्ट्रॉस को खटक जाती है और वो वहीं से उसका एनिमी बन जाता है 6 साल पहले। और फिर लुईस स्ट्रॉस धीरे धीरे करके झूठा केस बनाना शुरू करता है ओपनहाइमर के ऊपर, जिसमें वो ये प्रूफ करने लग जाता है कि ओपनहाइमर एक एजेंट है दूसरी कंट्री का, जिस केस में उसे फील होता है कि उसके संग साथी भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाते हैं और उसको ही फंसाने लग जाते हैं। वो बेचारा पहले से डिप्रेशन में होता है और ये सब देख के तो और ज्यादा सैड फील करने लग जाता है। लुईस स्ट्रॉस को एक और गलतफहमी होती है कि ओपनहाइमर ने अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके खिलाफ भड़काया था, पर जबकि ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन से बस न्यूक्लियर बम के बारे में बातें कर रहा था। बस इसी सब के बीच ओपनहाइमर की कहानी यहीं पे घूमती रहती है, वही पूरे केसेस में, और उसमें पूरे के पूरे उसमें फंसा रह जाता है पूरा लाइफ टाइम। फिर ओपनहाइमर की तरफ से एक लॉयर आकर लुईस स्ट्रॉस की स्टोरी सबको बताता है, उसको रिवील करता है और उसकी असलियत सबके सामने लाता है। फिर काफी टाइम बाद ओपनहाइमर को अवार्ड्स दिए जाते हैं, काफी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उसे पता होता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं, क्योंकि जो पुरस्कार दे रहे होते हैं, जो कांग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं, वो उसके खिलाफ बोले थे एक टाइम पर जाकर। इसके बाद मूवी के लास्ट
जिसमें हमें अल्बर्ट आइंस्टीन और ओपनहाइमर के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि लुईस स्ट्रॉस को गलतफहमी हो गई थी कि ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन को भड़का रहा है उसके खिलाफ, जबकि उस कन्वर्सेशन में हमें ये पता लगता है कि ओपनहाइमर बस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था और वो बता रहा था कि मैंने ऐसी चीज बना दिया जिसका रिएक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, वो सालों साल चलता जाएगा, फटता जाएगा। जिसके बाद हमें ग्लिम्स दिखाया जाता है क्या ओपनहाइमर को फील हो रहा था कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या क्या हो सकता है, और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मूवी को हॉल में देखने का जो एक्सपीरियंस था काफी अच्छा लगा मुझे, और हम थोड़े से मार्वल फैन है तो हमें थोड़ा सा कीड़ा रहता है एंड क्रेडिट सीन देखने का, तो उस क्रेडिट सीन को देखने के लिए मैं एंडिंग तक बैठा रहा पर मुझे कुछ नहीं मिला। बाकी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि वो भगवत गीता वाला जो सीन मूवी के अंदर डाला गया है वो कैसा डाला गया है, मतलब सही डाला या इंटेंशनली डाला या फिर कैसे डाला गया, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर देना उस पर। बाकी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।